सीवरेज का पानी घट तो घट हफ्ता हो गया इतने लीक करते हैं। एक हफ्ते तो पानी सीवरेज का लीक कर रहा है। कई बार महल वाले ने दसिया भी अं प्रधान जी ने भी फोन किए हफ्ते भर से यहाँ गंदा पड़ा है, कोई सफाई नहीं करता है और न झाड़ू मारता है न कूड़े उठा के ले जाता है। बच्चे सारा दिन खेलते हैं पानी में, फीचर फीचर करते हैं और सुनाई करते हैं तो कोई सुनता ही नहीं है। पानी इकट्ठा होया है ना, तो कोई एमसी आंदा नहीं देखता है कि ना कंप्लेन कर लिया। मेरा मुंडा भी फोन भी किया पर सुनते नहीं, गल ही नहीं आते, सुनने देखते नहीं आगे। कमेटी घर भी जा के आया भाई, दो तीन बार जाया, एम सी साहब ने भी किया काफ़ी बार, कहते बंदे आ जाएंगे, कभी सोमवार कहते आ जाएंगे, मंगलवार हो गया, बुधवार आए तक कोई बंदा नहीं आया जी। फलोर के वार्ड नंबर 14 के लोगों वालों आज नगर कौंसल फलोर के खिलाफ जम के नारेबाजी की गई। इस मौके कामरेड जरनैल ने जानकारी देते हुए दसिया कि इस मोहल्ले विच पिछले कई दिनों तो सीवरेज का पानी सड़कों से चल रहा है, जिस नाल इत्थे दे लोगों विच रोस है अते लोगों नूं भारी परेशानी का सामना करना पै रहा है। उत्थे मौजूद लोगों ने दसिया कि वह कई बार फोन से कंप्लेंटा भी कर चुके हैं पर इसका कोई भी असर देखने नूं नहीं मिलिया, जिस कारण उन्होंने अज विरोध करना पै रहा है। इस संबंधी नगर कौंसल के प्रधान नाल गल हुई तां उसने कहा कि यह मामला उसनू पता है ते इस संबंधी वाटर सप्लाई दे एसडीओ नाल गल कर ली है, वह जल्द ही उत्थे काम शुरू करवा रहे हैं। समस्या यह है कि सीवरेज का पानी घट तो घट हफ्ता हो गया इतने लीक करते हैं। एक हफ्ते तो पानी सीवरेज का लीक कर रहा है। कई बार महल वाले ने दसिया भी अं प्रधान जी ने भी फोन किए तो कोई भी इतने मतलब कि देख नहीं आया। गंदा पानी आ सीवरेज का, बीमारी फैलन का डर आ, बच्चे गंदे पानी के लंघ रहे हैं, घर बाहर निकलने जगह नहीं है। सरकारा वालों तो वे वे दावे किए जाते हैं भी असं विकास उठे आ, कोई नहीं आया इतने। प्रशासन जोड़ा फलोर का बिल्कुल फेल हो चुके, कोई नहीं देखता की हम मांग की करते हैं। मंग है कि योजे काम है जोड़े ठीक होने चाहिए आ, लोगों का रास्ता आम जनता लंघती है। सीवरेज का पानी हफ्ता हो गया ये इकट्ठा होया रस्ते दे विच लीक कर रहे। हाँ जी, हफ्ते भर से यहाँ गंदा पड़ा है, कोई सफाई नहीं करता है और न झाड़ू मारता है न कूड़े उठा के ले जाता है। बच्चे सारा दिन खेलते हैं पानी में, फीचर फीचर करते हैं और सुनाई करते हैं तो कोई सुनता ही नहीं है। आपने जो इधर का एमसी है उसको बताया? हाँ जी बताया तो कोई सुन ही नहीं रहा है। वो क्या बोल रही है? वो बोला है पता नहीं कहाँ से पानी आ रहा है, कोई बात का ध्यान नहीं कर रहा है। अभी क्या माँ क्या कर रहे हो? अभी तो कोई नहीं कुछ बोल रहा है, बस ऐसे गंदा पड़ा है, कोई ना झाड़ू मारता है ना कोई कूड़ा उठाता है, बस ऐसे पानी पड़ा उठाने वाला आ कोई नहीं आता है। आपको ये समस्या है? हफ्ता हो गया पाजी, इतने पानी इकट्ठा होया है ना, तो कोई एमसी आंदा नहीं देखता है कि ना कंप्लेन कर लिया। मेरा मुंडा भी फोन भी किया पर सुनते नहीं, गल ही नहीं आते, सुनने देखते नहीं आके। कितने दिन तो पानी खड़ा है? ये हफ्ता हो गया है, हफ्ता दिन से कहते कहते चुप कर गया या, कोई ना तो कोई महल्ले वाला भी सुनता है। की समस्या भाजी? पानी की समस्या है, कमेटी घर भी जा के आया भाई, दो तीन बार जाया, एम सी साहब ने भी किया काफ़ी बार, कहते बंदे आ जाएंगे, कभी सोमवार कहते आ जाएंगे, मंगलवार हो गया, बुधवार आए तक कोई बंदा नहीं आया जी, ना कोई इधर देखने आया एम सी साहब इधर। जादी तुम दो तीन बार जाके कोई भी नहीं आया? कोई भी नहीं आया, एक बार आए जी मोहरे देख के कहते पैप टुटा हुआ है, वो पा देंगे सोमवार, उस तो बाद आए नहीं कोई भी। हम की मांग की करते हैं प्रशासन तो? यही कह रहे जी सफाई हो जाए, लंघते बढ़ते लोगों को दिक्कत होंगी जी पूरी। अज महला रमदासपुरा नूरमह रोड से महला सतोकपुरा के आए हैं, इतने आके मौका देखिया भी इतने जिहड़ा लगभग हफ्ता हो गया जिहड़ा गंदा पानी सीवरेज का खड़ा आ, जिद अनेक बीमारियां इतने फैलनियाँ, नाल हजे करोना चल रहा है। इतने प्रशासन बड़े बड़े दावे कर रहे, इतने के प्रधान बड़े बड़े दावे कर रहे, इतने के एम सी बड़े बड़े दावे कर रहे भी विकास बहुत हो गया, असी साफ सफाई का बहुत प्रबंध किया, पर हालात इतने ग्राउंड के देखण से जो ग्राउंड के आ बड़े माड़े हाल आ। इतने लगभग हफ्ता होने तो बाद भी हजे तक कोई सफाई नहीं हुई, इतने ना दसण के मुताबिक आ बीबिया के ना कोई इतने कूड़ा चकन आता ना कोई सफाई करना आता, भी ये शहर का कोई बाली वारस नहीं। इस करके असी प्रशासन एस डी एम साहब न
ਇਹ ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਖੋਖਲੇ ਨਿਕਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਜੀ? ਇਹ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 14 ਆ ਰਾਲਮਾ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਜਿਹਾ ਵਾਰਡ ਬਣਿਆ। 2 ਨੰਬਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ 14 ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਜਿਹਾ ਵਾਰਡ ਆ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ 14 ਵਾਰਡ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਆ ਇਸ ਮੁਹੱਲੇ ਸਤੋਖ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 14 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਘੁੰਮਣ ਡਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਈ 5-6 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਨੇਹੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਜੇਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, SDO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਆਪ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰੇਜ ਆ ਉਹ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਆ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣਾ ਲਿਫਾਫਾ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੀਵਰੇਜ ਵਾਲੇ ਪਰਸੋਂ ਲੱਗੇ ਆ, ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜੇਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਟੋਆ ਪੱਟ ਕੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਅਹੁਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਰੁਕਾਵਟ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਜਾਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਤੁਰ ਗਈ। ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਵਾਰਡ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਇਲਾਕਾ ਆ, ਇਹ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਈਦਾ।